कुछ महत्वपूर्ण बातें। साधक जब ध्यान को आता है, शिविर के लिए आता है, उसकी एक अपेक्षा होती है, इच्छा होती है कि वह अचल, अडिग, शरीर और मन से अविचल मूर्तिवत ध्यान में बैठेगा। पर धीरे धीरे शिविर में उसे शरीर की, मन की सच्चाई सामने आने लगती है। शरीर मन दोनों भी वह स्वयं नहीं है, यह वो पहचानने लगता है। उसकी अचल स्थिर बैठने की, जिससे शरीर मन को विश्राम मिले, वह इच्छा भी शरीर मन पूरी नहीं होने देते। न शरीर स्थिर बैठता है एक घंटे तक, न मन सांसों पर भली भांति लगता है, बल्कि उस वक्त तो ज़्यादा ही विचार आने लगते हैं। वह देखता है कि मैं नाटक, सिनेमा या बाकी जगह तो सभा में आराम से दो तीन घंटे भी बैठ जाता हूँ, लेकिन ध्यान में एक घंटा भी ठीक तरह से नहीं बैठ पाता हूँ। कहीं हाथ खोलता हूँ, पैर खोलता हूँ, मन से सांस पर लगना चाहिए मन, लेकिन मन भटकते रहता है। ज़्यादा ही भटकाव मालूम होने लगता है, क्योंकि वो मन को देखने लगता है, तटस्थ भाव से मन का निरीक्षण करने लगता है, तो उसे उसका भटकाव ज़्यादा फील होता है, ज़्यादा अखरता है। तो वह सोचता है शरीर मन ही वश में नहीं है मेरे साथ वाले, तो बाहर के लोग, परिस्थिति, निसर्ग क्योंकर उसके इच्छानुसार, इच्छानुरूप चलेगा। असंभव, अनित्य, अनित्य, अनित्य है। तो यह अनित्य बोध को उसको यहीं पता लगता है, और यह अनित्य बोध का जब पता लगता है उसे, शरीर मन का और बाहर की परिस्थिति का, तो उसे दुख भी होता है कि यह अनित्य है तो फिर ये दुखमय है, ये बदल रहा है, और ये मैं चाहूँ जैसा प्रिय नहीं रहता है तो ये अप्रिय है, और प्रिय भी जब शुरू होता है, थोड़ा सा ध्यान लगता है तो वहाँ भी, वहाँ उसे लगता है बहुत देर लगना चाहिए और मन भटक जाता है, तो यह परिस्थिति बदल रही है, अप्रिय में बदल रही है, तो उसमें भी उसे एक अनित्य बोध से दुख बोध, और दुख बोध से उसे अनात्म बोध भी होने लगता है। शिविर दौरान समय से निर्देश के अनुसार ध्यान साधना करना, समय के सार्थक उपयोग के लिए, साधना में प्रगति के लिए अनिवार्य है ही, पर लिखना पढ़ना मना है। कभी भी कोई विचार, घटना, महत्वपूर्ण बात याद आ जाए तो नोट न करे, लिखे नहीं, मन को निर्देश दे अभी लिखना नहीं है, याद आया ठीक है, शिविर उपरांत अवश्य याद करके वह कार्य पूरा करेंगे। अभी साधना का वक्त है, उसे ही महत्व देंगे। बहुत से बिजनेसमैन, एग्जीक्यूटिव, उद्योगपति या स्टूडेंट शिविर में आते हैं तो कुछ स्मरण स्मृतियों को शिविर के दौरान लिखने लग जाते हैं, जिसकी मनाही है। ध्यान साधना प्रगति में बाधा पहुंचती है, इसलिए ये अनुशासन की जो नियम है उसका पूरी तरह से पालन करना चाहिए। दूसरी बात, आपको दृढ़ अधिष्ठान करना है तो जो सिटिंग पोस्चर, आसन में पैर फोल्ड कर बैठे हैं उसी तरह हर बार बैठे। क्योंकि मैं पहले शिविर में कभी पालथी मारकर सहज आसन में बैठता, कुछ देर बाद वज्रासन में बैठता, कुछ देर बाद पद्मासन में बैठता, कुछ देर बाद गौमुख आसन में बैठता, कुछ देर बाद सिद्धासन में बैठता। अब गौमुख आसन में हाथों की पोजीशन तो नहीं ले सकते, क्योंकि वह तो बराबर नहीं है, आसन करना या प्राणायाम करना तो अलाउड नहीं है, तो हाथ तो वैसे ही रहते, लेकिन पैरों की पोजीशन से गौमुख आसन में बैठता। ऐसे करता पर उससे अधिष्ठान नहीं हो पा रहा था। उसके बजाय अगर पालथी मारकर सहज बैठता, भले ही एक दो बार पैर हिला दूं, बहुत ज़्यादा ही दर्द हो तो हिला सकते, लेकिन बार बार अलग अलग आसनों में बैठने का अगर हम प्रयास करेंगे तो फिर हमारा जो अधिष्ठान है एक आसन में सहज बैठना, वह पूरा जल्दी नहीं होगा, उसमें बहुत देर लग जाएगी। बहुत ज़्यादा ही दर्द हो तो अनित्य अनित्य करते हुए हमारे पैर, कमर, हाथ आदि में कुछ दर्द, ऐठन, झुंझुनाहट, अप्रिय संवेदना के कारण जब हम हिलते हैं, अवस्था बदलते हैं, तो निश्चित ही अधिष्ठान छूट जाता है। फिर निश्चय करें अगली बार न बदले, ऐसा मन को सबल बनाए जिससे मन का दृढ़ निश्चय सफलता बने। जब भी अवस्था बदले, बोधपूर्वक क्यों बदल रहा हूँ,
क्या कुछ देर और समतापूर्वक तटस्थता से संवेदना नहीं देख सकता? क्या यह पीड़ा असह्य है? ऐसी ही अवस्था में अधिष्ठान जारी रखने से क्या होगा? मेरे स्वास्थ्य को हानि होगी? ऐसे प्रश्न साधक के मन में उभरते हैं, उभरने चाहिए। वह विवेकपूर्वक अनित्य बोध अनुभव करता हुआ अधिष्ठान पूरा करे, सफल होता है, सफल होना ही चाहिए। समता से, उपेक्षा से केवल दर्शन, केवल ज्ञान, स्थित प्रज्ञता, इस प्रकार साधक ने अधिष्ठान करना चाहिए, जिससे कि उसे एक सफलता का अनुभव होता है, तो उसे आनंद की भी प्राप्ति होती है और मन और ज़्यादा सबल होता है और उससे दुष्कर कार्य करने में भी मन तैयार हो जाता है। और भी ज़्यादा बड़े शिविर करने के लिए 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन करने के लिए मन में इच्छा भी होती है और दृढ़ इच्छा होती है, और हर दृढ़ इच्छा अच्छे कार्य करने की वह निश्चयपूर्वक पूरी करता है। इसलिए अधिष्ठान बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।